अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुलरहमान। नाज़रीन, हुकूमत ने गुज़िश्ता मालियाती साल जिसे सन 2020-21 कहा जाता है उसके ऑफिशियल फिगर जारी किए हैं GDP ग्रोथ के, और पाकिस्तान ने उस साल 5.37% ग्रो किया है। ये गुज़िश्ता 14 साल में सबसे हाईएस्ट जो ग्रोथ्स हैं उनमें दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर सन 2017-18 की नून लीग की ग्रोथ थी जो 5.5% थी। हम आम नाज़रीन को बताते चलें कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मुल्क के अंदर पैदा होने वाली कुल अशिया की एक मजमूई मालियत को समझ लीजिए कि वो मुल्क कितनी अशिया पैदा करता है, उसकी आबादी कितनी है और उस हिसाब से लोगों की आमदन कितनी है। तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की जो टोटल GDP वो बनी 346 अरब डॉलर्स की। जो लोग कहते थे हम 296 पे चले गए वो गलत कहते थे, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। हम आप आज को बताएंगे कि कुछ लोगों को ये क्यों नज़र नहीं आ रही, उसकी रीजनिंग मेरे पास है, उसका मैं एक सबूत पे लेकर आया हूँ। ये छोटा सबूत लेकिन बहुत बड़ा है। लेकिन पहले बात करते हैं GDP क्या है। ये जो बढ़ना है इसकी बड़ी वजह, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स कम हुई, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस आई, और गुज़िश्ता साल से मुराद सन 2020 के जुलाई से लेकर 2021 के जून तक की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो ज़रात ने 3.1% ग्रो किया, इंडस्ट्री ने 8.9% ग्रो किया, और जो सर्विसेज का सेक्टर है उसने 4.92% ग्रो किया। इन तमाम वजूहात की वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ आई है। अब सन 2018 में ये ग्रोथ क्यों ज़्यादा आई, उस दौर में नून लीग का आखिरी साल था। अब जो नून लीग की ग्रोथ थी उसके साथ एक 20 अरब डॉलर्स का खसारा भी था। वो किस तरह, हमने ढेर सारे कर्जे लेकर खूब सारी इंपोर्ट्स की और डॉलर को आर्टिफिशली रोके रखा, जिस वजह से हमें लगा कि बहुत ज़्यादा तरक्की है। उसी तरह कि आप में से देखा होगा, आपने अखबार में पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने कि जी नौसरबाजों ने किराए का मकान दिखाकर रिश्ता किया और बाद में पता चला ये फ्रॉड है। नून लीग भी हमारे साथ ऐसे करके गई कि आपने किसी को अगर अपनी इमारत दिखानी है तो बजाय मेहनत करके आप काम करके अमीर हो, इसकी बजाय दूसरा रास्ता नून लीग ने लिया कि पोश इलाके में किराए का मकान लिया, अपने पास जितने पैसे थे वो लगाए, जो बैंकों से किस्तें लेकर उधार लेकर गाड़ियाँ लीं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए, फर्नीचर डाला, दोस्त अहबाब से खूब पैसा लगाकर एक बहुत बड़ी इमारत, आर्टिफिशियल इमारत दिखा ली। और जब वह वक्त गुजरा उसके बाद वो बबल बैठ गया। क्यों? पाकिस्तान के पास भी उस शख्स की तरह ही बाकी कर्जे देने के पैसे नहीं थे। जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान को हर साल औसतन 4.5 अरब डॉलर्स कर्जा देना होता था। नून लीग के आखिरी साल में हमें 7.5 अरब डॉलर देना पड़ा और वेरी नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान को 11.5 अरब डॉलर देना पड़ा। क्यों? कि नून लीग जो कर्ज लेके गई थी उसकी मैच्योरिटी की डेट जो थी वो PTI के पहले साल में आ रही थी, तो उसकी किस्त हमें देनी पड़ी, उस वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुई। तो अब ये दादा शुमार जो आए हैं ये उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे नून लीग ने इनको तय किया था, यानी कि बेस लाइन इनको चेंज नहीं किया। अगर बेस लाइन चेंज की जाए तो ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन हम उसी को ही फोकस रखते हैं। अब पाकिस्तान में जो फी कस आमदन हो गई है वो 1,666 डॉलर्स हो गई है, जो आइडियल तो नहीं लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स जो GDP रेशो रही वो 9.5% हो गई है, लेकिन माहिरीन का कहना है इसको कम से कम 18% होना चाहिए अगर पाकिस्तान ने कर्जों से जान छुड़ानी है। फिर पाकिस्तान के जो कर्जे हैं डेट टू GDP रेशो वो कम होकर 72% हो गए हैं। क्यों? पाकिस्तान की GDP बड़ी हो गई है। जो लोग कहते थे 294 अरब डॉलर्स की, लेकिन पाकिस्तान की GDP 346 अरब डॉलर्स की है। अगर हम अपनी GDP को प्रॉपरली कैलकुलेट कर लें तो यही पाकिस्तान की GDP $1 ट्रिलियन की बनती है। हम 22 करोड़ का दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन चूंकि हमारी 75% इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, इस वजह से हमारी GDP भी उस तरह प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड मैं तसव्वुर नहीं करता। अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई मुझ समेत हर शख्स के ऊपर जुल्म ढा रही है। दो बड़ी वजूहात मैं बताता होता हूँ। एक तो इम्पोर्ट्स, दुनिया भर में इम्पोर्ट्स महंगी हुई, चीज़ें महंगी। मसलन तेल की बात करते हैं, तेल जो नून लीग के दौर में जिस प्राइस पे था आज उससे डबल कीमत पे पाकिस्तान तेल दुनिया भर से खरीद रहा है।
तो अगर नवाज शरीफ के दौर में तेल 60-70 रुपये लीटर बिकता था तो नवाज शरीफ एहसान नहीं करता था। आज नवाज शरीफ होता तो इससे भी ज़्यादा महंगा बेचता। क्यों? दुनिया भर में ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, एक चीज़ आपको पीछे से ही डबल से ज़्यादा कीमत में आ रही है, तो आप सस्ती कैसे कर सकते हैं? पेट्रोलियम की पिछले साल की पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स थी 6 महीने की, वो 4 अरब 77 करोड़ डॉलर्स थी। इस साल 6 महीने में पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट की हैं। तकरीबन उतनी ही मकदार है, लेकिन क्योंकि कीमत डबल से ज़्यादा हो चुकी है तो 2 गुना से ज़्यादा बिल पाकिस्तान ने इस मद में ज़्यादा अदा किया। इस वजह से डॉलर महंगा भी हुआ है। फिर पाकिस्तान में वैक्सीन बड़ी तादाद में इम्पोर्ट हो रही है, वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, अद्वियात इम्पोर्ट हो रही है, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो पिछले साल पाकिस्तान ने 538 मिलियन डॉलर्स की अद्वियात इम्पोर्ट की थी 6 माह में, इस साल 3.1 अरब डॉलर्स की, यानी 6 गुना ज़्यादा जो मालियत की हमने अद्वियात वैक्सीन दुनिया से इम्पोर्ट की हैं। फिर खाने का तेल, वो पिछले साल पाकिस्तान ने 5 माह के दौरान 876 मिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट किया था, इस मालियत के साल में 1.5 अरब डॉलर्स का इम्पोर्ट किया। यहाँ भी 2 गुना इजाफा हो चुका है जो खाने की तेल की कीमत है। तो ये जो है, एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। अगर अमेरिका की बात करूँ, आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ, आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ये अमरीका के अंदर 5 गुना कीमत बढ़ चुकी है अशिया की, 5 गुना की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 12% है सिर्फ। जर्मनी की बात करें तो वहाँ 6 से 7 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं, इस कदर महंगाई पूरी दुनिया में आई है। लेकिन हमारे यहाँ एक और किस्म की महंगाई है जो सरासर हुकूमत की नाहली की वजह से है, और वो हुकूमत कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इमरान खान के लाडले कमज़ोर वज़रा आला उसको कंट्रोल करने में नाकाम है। वो महंगाई कौन सी है? वो हमारे हवस परस्त, पैसे की हवस के शिकार दुकानदार होटल मालकान की है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। मैं गुज़िश्ता रोज़ आम सादा रोटी लेने गया, सरकारी रेट 6 रुपया है, आप 8 रुपये की बेच लीजिए। लाहौर में औसत रेट जो रोटी का चल रहा है, यहाँ से अच्छी रोटी मिलती है, 10 रुपये चल रहा है। मैं 12 रुपये फी सादा रोटी ख़रीद कर आया हूँ, खमीरी रोटी नहीं है, नान नहीं है। ये मेरे पास रसीद है, यूसुफ रोस्ट एक जुबली टाउन के अंदर होटल है, 12 रुपये फी रोटी वो बेच रहा है, उसको कोई भार नहीं। क्यों? उसको पता है कि अव्वल तो मुझे किसी ने पूछना नहीं, और मुमकिन है कि उसने प्राइस मजिस्ट्रेट से 10-12 हज़ार रुपये रिश्वत देकर मंथली डील कर ली हो। प्राइस मजिस्ट्रेट आएगा, एक उसको खाना पूरी के तौर पर या 2-4 हज़ार रुपये जुर्माना कर देगा, या उसको एक वार्निंग जारी करके आगे चला जाएगा। और दूसरा, उसको पता है कि इमरान खान के जो मुशीरान हैं वो उससे गलत गाइड कर रहे हैं कि जनाब ये महंगाई जो है सिर्फ इम्पोर्ट बेस्ड है। ऐसा नहीं है, मैंने तो इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन जो है वो PM पोर्टल पे भी कर दी है। अब देखते हैं वहाँ से हमें क्या रिप्लाई आता है। लेकिन अगर इस होटल समेत तमाम दुकानदारों को, तमाम होटल मालिकान को, सब्ज़ी बेचने वालों को, फ्रूट बेचने वालों को सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये जुर्माना करने की बजाय उनकी दुकान 10-10 दिन बंद की जाए, तो अब यकीन कीजिए कि जो 50% महंगाई है मुल्क के अंदर वो यकदम ख़त्म हो जाएगी। जिस होटल की मैं बात कर रहा हूँ, ये होटल कम अज़ कम रोज़ की 10 लाख रुपये की सेल करता होगा। आप इसको 10,000 छोड़ के 50,000 रुपये जुर्माना कर दें, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सूरत में अगर इसका होटल 10 दिन के लिए बंद कर दें तो उसको पता लग जाएगा कि मुझे 1 करोड़ रुपये का नुकसान 1 दिन के अंदर हुआ है। और ये ऐसा होटल है जो टैक्स नेट में भी नहीं है, खुद को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। तो देखिए, ना ये लोग टैक्स देते हैं, ना ये लोग अवाम की खिदमत को करते हैं, और इसके साथ साथ महंगाई का सबब यही दुकानदार, यही होटल मालिकान, यही फ्रूट वाले, यही सब्ज़ी वाले बने हुए हैं। और मुल्क भर में महंगाई से 2 किस्म के लोग डसे जा रहे हैं, एक तनख्वाहदार सरकारी हो या प्राइवेट, दूसरा छोटा कारोबारी, वरना उसके अलावा हर शख्स मौज में है। अगर मौज में ना होता तो इस वक्त जितनी महंगाई है लोग सड़कों पर आकर इमरान खान की हुकूमत को तलपट कर चुके होते, लेकिन अक्सरियत तो इस महंगाई के बावजूद अपनी आमदन में इजाफा कर चुकी है। मजदूर मिस्त्री ने अपनी दिहाड़ी बढ़ा ली है। मुझसे जिस मिस्त्री ने साल पहले 1400 रुपये दिहाड़ी ली थी, उसने गुज़िश्ता दिनों 1800 रुपये दिहाड़ी ली है, मैंने अपने घर में थोड़ा सा काम करवाया है। मजदूर जो पहले आपको 800-900 रुपये दिहाड़ी पर मिलता था, वो अब 1400 रुपये दिहाड़ी पर चला गया है। ये वजह है कि लोगों की आमदनें बढ़ गई हैं, जो आम लोग काम करते थे उनकी आमदन बढ़ गई है, इस वजह से लोग सड़कों पर नहीं आ रहे।
और ये आमदन क्यों बढ़ी है? मईशत में पैसा है। अगर मईशत में ये पैसा ना आया होता, जो तरक्की हम बता रहे हैं वो ना हुई होती, इंडस्ट्री ग्रो ना की होती, ज़राअत के मैदान में पैसे ना आए होते एक्स्ट्रा, तो यकीन करिए अब तक इनकलाब आ चुका होता। लेकिन ये अच्छा है कि किसी ना किसी हद तक मुल्क में आमदन हो रही है, पैसा बन रहा है। हम हुकूमत से अपील करेंगे कि इस महंगाई को रोके, तभी जाकर ये तमाम परफॉर्मेंस जो है अवाम कबूल करने पर तैयार होंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुलरहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।